हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर की दुनिया। आज मैं जो पोयम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो भी 12th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड है। इट इज़ अ पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी और ये लिखी गई है बाय जॉन कीट्स। आजकल 12th क्लास के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आजकल हम लोग उसी का सिलेबस कवर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस पोयम को समझना शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको लाइन क्लियर करूंगी, फिर भी कहीं अगर डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। शुरू करते हैं हमारी वीडियो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पोएट ये कह रहा है कि कोई भी जो सुंदर चीज है वो एक ऐसा जॉय प्रोवाइड करती है जो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा के लिए रहता है। उसकी जो लवलीनेस है, जो उसका सुंदरता है, जो उसका प्यारापन है, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, और हमारे लिए बावर मतलब होता है एक आश्रय, एक दिल को सुकून देने वाला, आत्मा को सुकून देने वाला, जो आपकी हर थकान को, हर चिंता को मिटा दे, एक ऐसा आश्रय स्थल। और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमारे लिए एक बावर रखती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें एक ऐसी मीठी नींद देती है जिसमें सुहाने सुहाने सपनों से वो भरी होती है। हमें अच्छी हेल्थ देती है और हमें क्वाइट ब्रीदिंग देती है कि हमें अच्छे, हमें स्वच्छ सांस प्रोवाइड करती है। अगर कोई थिंग ऑफ ब्यूटी है, इट मींस नेचर से यहाँ पे संबंधित है इसका, कि जो नेचर की चीजें हैं, जो पेड़ है, फूल है, वो हमारे दिल को कितना लुभाती हैं, कितना दिल को सुकून देती हैं, और पेड़ों की वजह से ही हम लोग सांस ले पाते हैं। बिकॉज ह्यूमन बींग्स इनहेल ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं। देयरफोर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग, मोरो से यहाँ पर मतलब है सुबह, हर सुबह रीडिंग। रीडिंग एक वर्ड है जिसका मतलब है माला बुनना। देयरफोर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसीलिए ये जो सुंदर सा, ये प्यारा सा जो प्रकृति, जो भगवान ने हमें ये गिफ्ट दिया है, हम लोग हर सुबह अ फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड यानी कि नेचर में जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनको एक फूल के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इसलिए हम लोग हर सुबह एक फ्लावरी बैंड ब्रीद करते हैं जो कि हमें इस धरती से बांध देता है, कि बेसिकली इस नेचर में जो चीजें हैं हम उसके साथ में एक कनेक्शन स्थापित करते हैं जो कि हमें इस धरती से बांध देता है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस एंड द इनह्यूमन डर्थ, कि ह्यूमन जीवन में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी हताशा है, जितनी भी निराशा है, जो भी किसी के सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, किसी को कोई दुख है, उसके कारण जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो सबके बावजूद ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, जो कि अंधकारमय और परेशानीमय जो दिन है, उन सबके बावजूद ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, जितने भी अनहेल्दी और जो ओवर डार्केंड वेज हैं, यानी कि जैसे कुछ लोग बहुत बुरे काम करते हैं, इस दुनिया में अच्छाई भी है तो बुराई भी एग्जिस्ट करती है, तो इन सब चीजों के बावजूद, मेड फॉर आर सचिंग येट येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि इन सब बुरी चीजों के बावजूद क्या होता है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, कि इन सब बुरी चीजों के बावजूद, इन सब डल चीजों के बावजूद, कोई ना कोई भगवान ने इस दुनिया में शेप ऑफ ब्यूटी बनाई है जो कि नेचर के रूप में हम सबके सामने है। विच मूव्स अवे द पैल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो कि हमारी डार्क स्पिरिट से, जो हताश हो चुकी, जो परेशान हमारी आत्माएं हैं, उससे ये जो दुख के काले बादल हैं, जो कि हमारे मन में निराशा है, दुख है, हम लोग होपलेस हो गए हैं, जब हम इन ब्यूटीफुल चीजों को देखते हैं तो हमारे मन से ये निराशा चली जाती है। सच द मून, द सन, द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड They live in and clear rills. अब ये जो लाइनें यहाँ पर मेंशन है फ्रेंड्स, इनका सीधा सीधा संबंध है नेचर से, कि वास्तव में यही वो शेप ऑफ ब्यूटी है, यही वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है जिसके बारे में द होल पोयम इज बेस्ड।
ये जो सन है, मून है, पेड़ है, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे पुराने हो, चाहे वो नए हो, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये हमारे लिए एक प्रसाद के तरह है, एक वरदान के तरह है, जो कि ये सब हमारे को प्रकृति का गिफ्ट है, भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए. फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स. डेफोडिल्स एक पीले रंग का फ्लावर होता है जिसको हिंदी में नरगिस का फूल कहते हैं. विद द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड से संबंध है यहाँ पर फॉरेस्ट से, जंगलों से, हरियाली से. दे लिव इन, क्योंकि जो हमारे जो जो ये पेड़ हैं या फिर जो ये शीप्स हैं, ये जो प्रकृति के जानवर हैं, जो फूल है, पेड़ पौधे हैं, ये सब उस जंगल में रहते हैं. एंड क्लियर रिल्स, रिल्स यानी कि छोटी नदी. तो ये सब जो नेचर के सोर्सेज है, ये हमारे लिए एक वरदान के समान है और हमें इनकी कदर करनी चाहिए. इनको देखकर हमारे सारे दुख दर्द हम भूल जाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. दैट फॉर themselves अ कूलिंग कोवर्ट मेक. कोलिंग का मतलब एक ठंडक वाला, या जो आत्मा को सुकून दे. कोवर्ट यानी कि आश्रय स्थल, जहां पर एक एकांतवास, जहां पर जाकर हमारी आत्मा को शांति मिल सके. कि ये सब हमारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक शांति प्रिय आश्रय स्थल बनाते हैं. गेंस्ट द हॉट सीजन, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, कि जो गर्म सीजन है. अब गर्म से यहाँ का मतलब सिर्फ गर्मियों से नहीं है, यानी कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, जो गर्म समय है. अब गर्मियों का एसोसिएशन यहाँ पर इसीलिए है बिकॉज गर्मियों का मतलब है गर्मी होना, परेशान होना, पसीना होना, तबीयत खराब होना, यानी कि जो बुरा समय है आपकी जिंदगी का. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी कि इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट थिक मास ऑफ फर्न्स एंड बशेस, कि आप किसी जंगल में हो और वहां पर आपको झाड़ियां मिल जाएं बहुत सारी, अब उसमें फंस जाओ. कि जीवन को ये जो बुरा समय है इससे निकालकर वो हमारे लिए एक आश्रय स्थल रखता है. रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. मस्क रोज होता है कस्तूरी गुलाब, कि ये उस सबसे निकालकर हमारे ऊपर जैसे फूलों की वर्षा हो रही है ऐसा हमको एहसास दिलाता है. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स. डूम्स का मतलब होता है द लास्ट डे ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, यानी कि आपका विनाश का दिन. और जितना ही वैभवपूर्ण ये सब दृश्य है प्रकृति का, उतना ही वैभवपूर्ण जो यहाँ पर डूम से संबंध जो है ना, और जो नेक्स्ट लाइन में माइटी डेड है, ये आपका शब्द है यहाँ पर माइटी डेड, इसका संबंध है हमारे ग्रेट फॉर फादर से, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मानवता के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया. तो उतना ही वैभवपूर्ण उनकी दास्तान भी है. वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ग्रेट फॉर फादर्स थे, जो निडर थे, जो बहुत शक्तिशाली थे, जो बहुत ही सेल्फलेस थे, जिन्होंने हमारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो. एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक यानी कि इमोर्टल यानी कि शाश्वत, जो कभी ना मरे, कि हम उनके लिए ये प्रे करते हैं कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, जो कि सीधा हेवन से उनके पास जाए. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जो कि लिखी गई थी बाय जॉन कीट्स. आई होप आपको ये पोयम समझ आई हो. कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द सैम्पल पेपर क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में आते हैं. तो इफ यू वांट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.